एकता कपूर के सबसे मशहूर सुपर नेचुरल शो की अगली किश्त को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नागिन सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाले शोज में से एक है। इस शो के अब तक 6 सीजन आ चुके हैं। कुछ सीजन ऑडियंस को इतने पसंद आए कि ये शो एक ब्रांड बन गया। हालांकि कुछ सीजन टीआरपी बटोरने में भी कामयाब नहीं हो सके। वहीं अब नागिन 7 की कास्टिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो एकता कपूर को अगले सीजन के लिए 2 नागिन मिल चुकी है। खास बात ये है कि दोनों एक्ट्रेस इस वक्त कलर्स के ही शो में काम कर रही हैं और दोनों की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। खबरों की माने तो जल्द ही एकता कपूर नागिन सीजन 7 लाने की तैयारी में जुट जाएंगी। वहीं एकता के शो में नागिन का किरदार निभाने के लिए जिन 2 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट का नाम सामने आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस 16 की 2 फेमस कंटेस्टेंट्स हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि एकता कपूर नागिन के 7वें सीजन के लिए बिग बॉस सीजन 16 से 2 कंटेस्टेंट को चुन सकती है। इस वक्त जिनके नाम पर अंदाजा लगाया जा रहा है वो है प्रियंका चहल चौधरी और अर्चना गौतम। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस सीजन 16 के खत्म होने के बाद जल्द ही नागिन का नया सीजन वापस लौटेगा और मेकर्स इस नए सीजन के लिए प्रियंका चहल चौधरी और अर्चना गौतम को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एकता कपूर या मेकर्स की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, मगर ये खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर प्रियंका और अर्चना इस सीजन में है तो उन्हें अगला सीजन देखना है, तो कुछ लोग प्रियंका और अर्चना को ट्रॉल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या प्रियंका चहल चौधरी और अर्चना गौतम को एकता कपूर के इस हिट शो में काम करने का मौका मिलता है या नहीं। वेल, हमारे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिखा जैन, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।